Welcome dear student, welcome to my YouTube channel Chemistry with Mujahid। हमने FSE first year chapter number 6 start किया हुआ था chemical bonding और आज हमने introduction देना है किस चीज़ के बच्चे ionization energy, electronegativity, electron affinity, shielding factor, atomic size, atomic radius या फिर nuclear attraction। हमने आज सिंपल ये देखना है उनके ट्रेंड देखने के पीरियड के अंदर क्या क्या होता है और ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है। अगर आज का लेक्चर आप मेंशन समझ आ जाएगा तो उसके बाद जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी आपने जस्ट समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर ये समझ आ गया फिर तमाम ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग आ जाए, चाहे शॉर्ट आ जाए, चाहे एमसीक्यूज आ जाए। ओके बच्चे, आज ना हम भी देखने हैं कि पीरियड के अंदर इनका क्या रोल होता है, बढ़ते हैं या कम होते हैं, और ग्रुप के अंदर इनका क्या रोल होता है कि ग्रुप के अंदर ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज हो गया, ये तमाम ग्रुप के अंदर बढ़ते हैं या कम होते हैं, और सेम पीरियड के अंदर ये बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको फॉलो करना है बच्चे, इंशाल्लाह अच्छे समझ आ जाएगी आपको। इधर आते हैं बच्चे, सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ बनाता हूं। आज अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चे ये जो लेफ्ट टू राइट में लिखूंगा, लेफ्ट टू राइट जो मैं एलिमेंट लिखूंगा, ये तमाम आएंगे किसके अंदर बच्चे, पीरियड के अंदर। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में एलिमेंट लिखूंगा उन्हें हम क्या कहेंगे, पीरियड। तो कौन से हैं एलिमेंट पीरियड में, हाइड्रोजन, फिर बच्चे हीलियम, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड। क्या कहते हैं बच्चे, फर्स्ट पीरियड। अब दूसरा पीरियड कौन सा, हमारे पास लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारे पास है सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड कौन सा होगा हमारे पास बच्चे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसे कहते हैं थर्ड पीरियड। तो इस तरह के सात पीरियड होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। आज जो हमने देखना है बच्चे, हमने देखना है कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ता है या कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है या कम होती है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है, ये तमाम चीजें हमने किसके अंदर देखी है बच्चे, इन पीरियड एंड इन ग्रुप्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले बच्चे क्या चीज है, ट्रेंड्स इन पीरियड। आया कि पीरियड के अंदर ये तमाम चीजें बढ़ती हैं या कम होती है। ट्रेंड्स इन पीरियड, अच्छा उसकी तरफ जाने से पहले एक चीज में बताता चलो आपको, मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तमाम एटम की, एक चीज माइंड में रखनी है, कौन सी चीज, मैं कह रहा हूं बच्चे एक प्रोटॉन ना 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, एक प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। एक प्रोटॉन के अंदर पावर होती है कितने इलेक्ट्रॉन को खींचने की, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, पावर है, तो दो प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकेगा, 20 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे अगर दो प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं तो तीन प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे बच्चे, 30 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को फॉलो करना है तो तमाम टॉपिक हमारे क्लियर हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, दूसरे पीरियड से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और देखते हैं कि पीरियड के अंदर क्या क्या होता है।
सबसे पहले आपने एटॉमिक साइज देखा है कि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ता है या कम होता है। तो हमारे पास लिथियम है, दूसरा पीरियड स्टार्ट कर रहे थे हम। लिथियम का बच्चे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो ऑब्वियस बात उसके अंदर प्रोटॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। तो अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके सेंटर में क्या होगा बच्चे, लिथियम के न्यूक्लियस होगा, फिर क्या होगा पहला शेल होगा और फिर क्या होगा दूसरा शेल। प्रोटॉन कितने होंगे बच्चे इसके अंदर, 3 होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हम पीरियड में जा रहे हैं, लिथियम के बाद फिर क्या आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। अच्छा एटॉमिक रेडियस क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं कि पीरियड के अंदर डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ओके, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4, अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके अंदर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फिर पहला शेल होगा और फिर दूसरा शेल होगा। अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन भी इसके अंदर 4 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ब्रिलियम के बाद पीरियड के अंदर हमारे पास बोरोन आ रहा है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, प्रोटॉन भी 5 होंगे। सेंटर में क्या होगा इसके, न्यूक्लियस, फिर पहला शेल और फिर दूसरा शेल आ जाएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होंगे। और याद रखना है न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। बोरॉन के बाद फिर आ रहा है हमारे पास कार्बन आ रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके सेंटर में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस, फिर पहला शेल और फिर दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो क्या लग रहा है, जैसे आप पीरियड में जा रहे हो तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, इसे हम कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस, क्या वो बढ़ रहा है कम हो रहा है। ऑब्वियस बात है शुरू में ज्यादा था, ऐसा ऐसा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसकी रीजन भी मैं देता हूं कैसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। सेंटर में इसके न्यूक्लियस होगा, फिर पहला शेल फिर दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 5 होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास सेंटर में न्यूक्लियस होगा, पहला शेल और दूसरा शेल। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, पहले शेल में 2 दूसरे में 6 होंगे और प्रोटॉन भी 8 ही होंगे। ऑक्सीजन के बाद क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो सेंटर में न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा शेल। पहले में 2 दूसरे में 7, अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन भी 9। तो इन स्ट्रक्चर से आपने क्या देखा है कि जब आप पीरियड में जा रहे हो, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जो साइज है क्या वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऑब्वियस बात है वो कम हो रहा है। अब कम होने की वजह क्या है, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं ट्रेंड्स इन पीरियड कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कम हो रहा है। आपने कहना है पीरियड के अंदर बच्चे एटॉमिक साइज डिक्रीज इन पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज
पीरियड। अब डिक्रीज होने की वजह क्या है? बच्चे मैंने शुरू में कहा था कि एक प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है और दो प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखें, अगर लिथियम के अंदर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। या बेरियम के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए? 4। एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ, एक प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अगर हमने बैलेंस कर दिया पावर को। लेकिन यहां देखें, प्रोटॉन तो एक का इजाफा हुआ है, होना तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भी 10 का इजाफा होता, तब दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते, तभी टॉपिक सही सेम रहता। लेकिन प्रोटॉन एक का इजाफा हुआ है और इलेक्ट्रॉन भी एक का इजाफा हो, तो सारे उसको अपनी तरफ खींच भी लेगा। सादा सी मिसाल है, तो फिर समझ आएगी आपको। बच्चे मैं कहता हूं, एक बड़ा शख्स ना 10 छोटे बच्चों को अपनी तरफ खींच सकता है, या दूसरा जो है उनकी पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो वो ना उस तरफ खींचेगा ना इस तरफ खींचेगी। अब बैलेंस हो गया, एक बड़ा आदमी 10 छोटे बच्चे को खींच सकता है, तो दो बड़े आदमी कितने को खींच सकते हैं? 20 बड़े आदमी को। ठीक हो गया बच्चे। और 3 बड़े आदमी 30 छोटे बच्चों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब हुआ क्या है यहां पर, एक बड़ा आदमी 10 छोटे बच्चों को खींच सकता है और हमने क्या किया है, दो बड़े आदमी कितने खींच सकते हैं? 20 को। तो हमने यहां पर तो दो बड़े आदमी कर दिया, लेकिन वहां पर हमने 10 बच्चे ऐड करने की बजाय सिर्फ एक बच्चा ऐड किया। वहां 11 बच्चे हैं छोटे, यहां दो बड़े आदमी हैं, तो दो बड़े आदमी की पावर ज्यादा नहीं होगी। जैसे पावर ज्यादा होगी उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच नहीं लेंगे, जैसे खींचने के वो करीब नहीं आएंगे, जैसे करीब है कि साइज कम नहीं हो जाएगा। सेम यहां पे ही प्रोसेस हो रहा है। प्रोटॉन तो एक का इजाफा हो रहा है, होना तो चाहिए इलेक्ट्रॉन भी 10 का इजाफा होता, ऊपर जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल रहेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, प्रोटॉन एक का इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी एक का इजाफा हो रहा है, इसलिए जो प्रोटॉन है अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ, जो एक एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हुआ पीरियड के अंदर। और हमेशा एक याद रखना बच्चे, न्यूक्लियस पर चार्ज होगा पॉजिटिव हमेशा, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। क्यों बोलते हैं कि बच्चे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल करेगा, उनके अंदर टर्न फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज से मुराद अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से मुराद एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। अब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां देखें न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, दूर दूर है, दूर दूर से मुराद है न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी। लेकिन जैसे हम पीरियड में जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मतलब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है, वो क्या हो रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं, दूर दूर आ रहे हैं, वो करीब करीब आ रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करीब करीब है कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो पीरियड में जो एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज कम होने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो रहा है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, वो करीब करीब आ रहे हैं, करीब करीब आने की वजह से न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है इसके ऊपर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बढ़ जाए। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या रहा है, पीरियड के अंदर जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, ऑब्वियसली वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। मींस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन increase in period। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चे, बच्चे ये जो पॉइंट्स की फॉर्म हुई आप उनको फिर बाद में बताऊंगा कैसे हमने इसको यूटिलाइज करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या कोई कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, अभी सिर्फ समझते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं बच्चे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ गैसेस एटम। अब देखिए लिथियम है, लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, करने कितने होते हैं 8, खुद को स्टेबल होने के लिए टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक ग्रुप ऑफ गैसेस।
जब ये किसी ऐसे एलिमेंट के पास जाएगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा? कभी भी नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। आपसे पूछूंगा क्या ये मुफ्त में इलेक्ट्रॉन देगा? कभी भी नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा मेरे पास कम है। सादा सी मिसाल देता हूं, आप बर्गर खाने गए और बर्गर आता है 80 रुपए का, आपके पॉकेट में 10 रुपए है, क्या आप बर्गर खरीद सकते हैं? कभी भी नहीं खरीद सकते। तो होगा क्या यहां पर बच्चे, अब वो जो बनता है एक और दूसरा बच्चा आता है वहां, उसकी पॉकेट में 70 रुपए, क्या वो बर्गर खरीद सकता है? वो भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि बर्गर कितने का आता है? 80 रुपए का। अब होगा क्या, आप से वो 70 रुपए वाला बच्चा कहेगा मुझे 10 रुपए दे दो, मैंने बर्गर खरीद लिया, क्या आप मुफ्त में दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आप कहोगे नो डोर, मैं बर्गर नहीं खरीद सकता, मैं कुछ और तो ले सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं खा सकता हूँ। अब होगा क्या यहाँ पर, अब 70 रुपए वाला बच्चा आपको लालच देगा कि कहेगा मुझे आप ना 10 रुपए दे दो, मैं बर्गर लेता हूँ और छोटी सी बाइट आपको दे दूंगा, छोटा सा हिस्सा बर्गर का आपको दे दूंगा, मतलब कुछ ना कुछ इनर्जी वो आपको देगा। सेम ऐसे ही लिथियम है, उसके बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, नो डोर को 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, लेकिन क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन मुफ्त में देगा? कभी भी नहीं देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कहेगा मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी दे, और उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज कि लिथियम के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 5 जूल, 5 जूल इसको एनर्जी देंगे, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब ब्रिलियम है, ब्रिलियम के वैलेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, चाहिए कितने करने, कितने होते 8, ये 6 लेगा तो देगा, ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या मुफ्त में देगा? कभी भी नहीं देगा। वही चीज रिपीट करता हूँ बच्चे, जो भी मैंने बात की थी, अब नेक्स्ट बार आप दोबारा बर्गर खरीदने गए हो, अब आपके पॉकेट में 20 रुपए हैं, बर्गर 80 रुपए का आता है, तो क्या आप बर्गर ले सकते हैं? नहीं। सेम एक और बच्चा वहीं पर आता, उसके पॉकेट में 60 रुपए हैं, क्या वो ले सकता है? वो भी नहीं ले सकता। अब 60 रुपए वाला आपके पास आएगा, कहेगा मुझे 20 रुपए दो, मैंने बर्गर लेना है, क्या आप मुफ्त में देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कहेंगे निकम्मे, अगर मैं बर्गर नहीं ले सकता कुछ और तो ले सकता हूँ। अब होगा क्या, वो बंदा आपको लालच देगा, कुछ ना कुछ देगा, कहेगा मुझे 20 रुपए दो, जैसे मैंने कल आपको छोटा सा बाइट दिया था, बर्गर का हिस्सा दिया था, आज भी उतना ही दूंगा, तो क्या आप लोगे? आप कहोगे नहीं, कल मेरे पास पैसे कम थे तो मैंने बर्गर भी कम लिया था, आज पैसे ज्यादा है तो बर्गर भी ज्यादा लूंगा। दूसरे लोगों में अब इसके पहले से मेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है से मुराद है अब वो कम एनर्जी नहीं लेगा, बल्कि एनर्जी ज्यादा लेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ब्रिलियम के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकले, तो अब हमें पहले 5 जूल दी थी, अब कितनी देंगे? 10 जूल एनर्जी देंगे, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। सेम बोरॉन के वैलेंस में 2 से ज्यादा 3 हो गए, तो अब कितना लेगा? कम से कम 15 जूल एनर्जी लेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वरना नहीं देगा। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना लेगा? कम से कम 20 जूल। नाइट्रोजन वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लेगा? 25 जूल। और ऑक्सीजन सपोज 30 जूल, और फ्लोरीन 35 जूल एनर्जी लेगा, तब इलेक्ट्रॉन देगा, वरना नहीं देगा। मेन पॉइंट ये आ रहा है, जैसे ही आप पीरियड में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं, ये जो एनर्जी है जिसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया है, क्या वो कम हो या बढ़ रही है? ऑब्वियस बात है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके नंबर, उनके बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और दूसरी रीजन क्या, उनका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, अब न्यूक्लियस ने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ा हुआ है, अब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मेन पॉइंट ये आ रहा है कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या होगा बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड, वो पीरियड में बढ़ रही है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं बच्चे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम। जब भी किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हम इसको एक और एंगल से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन से मुराद है इलेक्ट्रॉन, अफिनिटी से मुराद है अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को खींचना, अपने अंदर दाखिल करना, हम इस अंदाज से इसको देखते हैं। तो बच्चे इधर देखें, लिथियम वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं रेज कर देता हूं आयनाइजेशन बच्चे वाले कंसेप्ट को बच्चे, क्योंकि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पीरियड में देखें बच्चे, देखिए लिथियम वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन करने कितने हैं, आठ। तो क्या होगा, ये बाहर से अब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये देगा। ऑब्वियस बात, ये इलेक्ट्रॉन देगा, बाहर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्थिति क्या होगी, कम होगी। बेरिलियम है, मैंने शुरू में दो इलेक्ट्रॉन है, करने कितने होते हैं आठ। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, लेगा या देगा, ऑब्वियस बात ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसको छह चाहिए, छह कभी नहीं ले सकते। नाइट्रोजन के पास है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच। पीरियड में आ रहे करने कितने होते हैं आठ, तो कितने चाहिए, तीन। तो क्या होगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके पांच देगा, ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्थिति ज्यादा होगी बनिस्पत लिथियम और बेरिलियम के या बोरॉन के। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्थिति बढ़ रही है। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, तो कितने चाहिए, सिर्फ दो। तो क्या होगा, ये अपने छह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, लेगा। ऑब्वियस बात है अब इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्थिति ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्थिति बढ़ती है, कम होती है, ऑब्वियसली बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से आप जो न्यूक्लियस है वो इजीली बायस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। तो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन पीरियड। वो पीरियड में क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है। एक और पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पहले कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं द अबिलिटी ऑफ एटम, द अबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, खींचना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ स्ट्रैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप इसको ट्रिक को कैसे फॉलो करते हैं वो देखिए। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मींस नेगेटिव चार्ज। अब आपने देख रहा है जैसे हम पीरियड में जाएंगे जो एटम है उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, उनके और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी। तो ट्रिक सुने, लिथियम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगी, सात इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक्ट करते हैं एज अ मैटर। तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बेरिलियम वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, छह इलेक्ट्रॉन लेगा या दो देगा, ऑब्वियस बात है ये भी दो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाइट्रोजन की तरफ आ जाए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच, करने कितने होते हैं आठ। तो क्या होगा, ये पांच इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन लेगा, अब तीन इलेक्ट्रॉन लेगा और जो लेता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जब हम कितना चाहते हैं पीरियड तक मूव करते हैं। ऑक्सीजन वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए, सिर्फ दो। तो क्या होगा बच्चे, अब ये छह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या दो इलेक्ट्रॉन लेगा,
दो इलेक्ट्रॉन लेगा और जो लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरा सुबह जब हम पीरियड में जाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज का आना है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है। शुरू में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और साथ साथ ऐसे ऐसा कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सिंपल हम कहेंगे कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। असल रीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने की, जैसे हम पीरियड में जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ रही है। न्यूक्लियर की अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती है, ये रियल रीजन है। लेकिन आप इसी ट्रिक को फॉलो करना है तो लिखना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियड के अंदर बढ़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे आपके लिए, आपने कहना है बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड, वो पीरियड के अंदर बढ़ती है। ओके बच्चे नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, उसे कहते हैं नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो बच्चे आप मुझे ये बताएं पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ने कम हो रहे, ऑब्वियस बात है वो क्या है सेम। कैसे यहां देखें नंबर ऑफ शेल कितने, एक और एक दो, यहां कितने एक और एक दो, 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 मतलब पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल है दैट रिमेन सेम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम इन पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं बच्चे, अब शील्ड से क्या पढ़ रहे, प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना। अब बच्चे देखिए न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव। अब यहां देखिए ये के शेल है और ये एल शेल है और दरमियान में क्या है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल से क्या है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के जो दरमियान इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की वहां पर अट्रैक्शन को काम कर देंगे। अट्रैक्शन का काम हो जाना क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो जैसे आप लोग पीरियड में जाते हो शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है दो, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है दो, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ही है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जो कम करने की सलाहियत है, शील्ड करने प्रोटेक्ट करने की सलाहियत है हमेशा सेम रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर सेम ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि पीरियड के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट रिमेन सेम। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहते हैं बच्चे, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इन इलेक्ट्रॉन की बात करो, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, व्हिच इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं, इसलिए जो उसके अंदर क्या होगा बच्चे शील्डिंग इफेक्ट होगा दैट रिमेन सेम। तो पीरियड के अंदर क्या होगा बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम इन पीरियड। अब ग्रुप के अंदर तमाम पॉइंट्स आते हैं, क्यों ग्रुप कर देने हैं, अगर मैं बात करता हूं लिथियम के बाद अभी टॉप, तो पहले हमने पीरियड के अंदर देखा है, अब हम देखते हैं बच्चे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स, कि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है इफेक्ट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं बच्चे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर जो है क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है या कम होती है। यहीं पे एक एग्जांपल देखें बच्चे, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम के नीचे क्या है सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर
पहला शर्त क्या होता है, के के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो, दूसरे एल में आठ, दो और आठ दस, और तीसरे एम शेल है हमारे पास एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तो दो और आठ 10 हो चुके हैं, तो एम में कितना रहेगा, एक है। तो देखिए जैसे हम ग्रुप में आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट के दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, तो लिथियम के नीचे क्या आ रहा है, सोडियम। अब नीचे देखिए लिथियम का साइज कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, अब यहां देखें डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल सोडियम का देखें कम है ज्यादा है, ऑब्वियस बात है लिथियम का साइज कम है और सोडियम का साइज ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो नजर आ रहा होगा आपको जैसे हम ग्रुप में आते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है, तो ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, बच्चे तमाम पॉइंट जो है ना ब्लड हो जाए, अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से मुराद है न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, साइज बढ़ रहा है तो दूर दूर होंगे से मुराद है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर होंगे ऑटोमेटिक जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगे, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है तो न्यूक्लियस की वैलेंस में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम होगी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से रिमूव हो सकता है, तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम एनर्जी देके ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक हो गया। और सेम ऐसे ही अगर वो न्यूक्लियस से अगर वैलेंस शेल जो है ना वो दूर है तो जो न्यूक्लियस है उसकी जो पकड़ होगी बाहर के इलेक्ट्रॉन पर वो कम होगी, पकड़ कम होने से बाद उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ गया, साइज ऑफ एटम बढ़ने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, ये तमाम पॉइंट हमने ग्रुप के अंदर क्या लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो क्या होगा पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो रहा है, मींस एटॉमिक साइज increase in the period, अगर atomic size बढ़ रहा है तो distance between nucleus और valence shell electron बढ़ रहा है, तो automatic nucleus की जो attraction है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, means nuclear attraction, nuclear attraction क्या हो जाएगी बच्चे, decrease हो जाएगी, किसके अंदर बच्चे, sorry atomic size increase in ग्रुप, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज इन द ग्रुप, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, किसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा बच्चे, इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्यों डिक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल का इजाफा, पहले शेल कितने थे, एक और एक दो, अब ग्रुप में कितने आ गए, एक दो तीन, नंबर ऑफ शेल इजाफा हो रहा है, सेम तीसरे पॉइंट तरफ आते हैं बच्चे, वहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो इंक्रीज हो रही थी, क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, लेकिन यहां रखिए लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन साइज लार्ज, लार्ज साइज होने की वजह से कम एनर्जी थी, means ionization energy decrease, ionization energy decrease हो जाएगी in group, अब कम energy देंगे तो वो जो atom है आसानी से electron lose कर जाएगा, ये trends कहां पे काम आएंगे, अभी मैंने आपको long question लिखवाने हैं, ionization energy, electron affinity, electronegativity, shielding factor हो गया, atomic size हो गया, तो इनके अंदर किस तरीके से conceptual short question है कि वो तमाम आप easily attempt कर सकते हो, just आपको definition याद करनी है, अगर आपको ये 6-6 सात सात point clear हो गया तो ठीक हो गया बच्चे, next move करते हैं, अब ionization energy क्या हो रही, decrease हो रही है, अब next क्या है, electron affinity, period के अंदर electron affinity increase हो रही थी, क्यों, क्योंकि atomic size decrease इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहां एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से शील्डिंग फैक्टर भी बढ़ जाएगा,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन वो ही है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नो नोड अगर यहां पे देखें, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। फ्लोरीन के नीचे क्या आ रहा है, क्लोरीन है, ग्रुप के अंदर है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन के में, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है। न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अब फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन दोनों लेंगे, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन जल्दी से कौन लेगा, किसके अंदर किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्या है, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो जो न्यूक्लियस है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अटैक कर लेगा, तो इसलिए जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। अब जो क्लोरीन है इसके जो एटॉम है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और बाहर से जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा होने की वजह से अब आसानी से इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं करेगा, उसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कितनी है, 3.2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के अंदर कम हो रही, क्यों कम हो रही, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर वो कम हो जाएगी। रीजन मैंने बता दिया बच्चे आपको क्यों कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ शेल, पीरियड के अंदर देखिए नंबर ऑफ शेल क्या है, रिमेन सेम, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, लेकिन ग्रुप के अंदर देखिए लिथियम में कितने शेल है, 1 और 1 2, लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, सोडियम के अंदर शेल देखिए बच्चे 1 2 3, मतलब ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मींस नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन ग्रुप्स। लास्ट पॉइंट इसका लिखते हैं बच्चे शील्डिंग इफेक्ट, यहां देखिए मैंने शील्डिंग इफेक्ट बताया था, मैंने कहा था द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के जो दरमियान इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम हो जाना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। यहां देखिए पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो सेम थे, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो सेम थे, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या था, सेम था। लेकिन ग्रुप के अंदर देखिए यहां देखिए न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखिए न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, ज्यादा से मुराद है अब जो न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शन होगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगी, अब जो न्यूक्लियस है वो उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया, किसके लिए कम कर दिया, जो इनर मौजूद इलेक्ट्रॉन है, जो दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ने से जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अब जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा शील्ड महसूस करेंगे, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, मीन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो सकता है,
होप सो बच्चे आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जस्ट एक साइड पे ट्रेंड लिखनी है पीरियड और ग्रुप के, और साथ में मैंने जस्ट डेफिनेशन कर दी है किसकी वजह आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, या एटॉमिक साइज वगैरह की। तो मैं वहां पर ट्रिक बताऊंगा, जस्ट डेफिनेशन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या कोई कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट करना है। जस्ट डेफिनेशन करनी होगी आपको इंशाल्लाह। बाकी जे आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, अगर इसमें कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछे कमेंट बॉक्स में। और इन छह सात पॉइंट को फिंगर टिप्स के ऊपर याद रख लें कि किसके अंदर क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।